में और इधर और उधर सारे, उनको पता है अच्छी तरह क्या होने। इस साल डर के अकाउंट फ्रीज हो गए दुबई में, तो जरदारी साहब के वहां पे जो छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई हैं 10-10 हजार गज पे, वो नहीं जब्त होंगी। तो भाव उधर अरबे दुआ मांग रहे हैं कि यार ये उनके नाम के उनको फ्रंटमैन बनाया हुआ। बहरहाल अब मसला ये है कि उसे अब इस सूरत हाल में, अच्छा हमारे भाई साकदार अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, वो अभी तक लंदन में नहीं, नहीं वो जो है उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। अच्छा वो मैं अभी इनकी मैंने स्टेटिस्टिक्स देखी, वो 50 अरब रुपया, 50 अरब एक दिन में हुकूमत ने दे दिया अराकीन असेंबली को, कि कोई ग्रुप एक दिन में कल इश्यू कर दिया अराकीन असेंबली को जो फंड होता है ना इनका एक दिन में, ताकि वो इधर उधर कोई ग्रुप फॉरवर्ड ब्लॉक इधर उधर ग्रुप ना बन जाए। 50 अरब रुपया एक दिन में, कि कहीं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक ना बन जाए, कोई नाराज ना हो जाए, ये रियाज पीरजादा ये बाकी लोग सारे उसमें पीपल्स पार्टी वाले भी हैं उसमें बाकी लोग भी हैं। मुल्क की सूरत हाल ये है कि 50 अरब हो गए एक दिन में इशू हो गया। और मैं अभी हैरान हो रहा था इस बात पे कि जो गर्दी आपने देखा ये सारा मुल्क में लोड शेडिंग शुरू हो गई है और सारे, और जब ये आए थे इनकी हुकूमत आई थी मियां नवाज शरीफ साहब की, तो 500 अरब रुपए का गर्दशी कर्जा था, वो बढ़ के अब 800 अरब रुपए हो गए। और उसके नतीजे में वो बंद होने शुरू हो गए पावर प्लांट सारे, क्योंकि शाह खान अब्बासी चाहते हैं कि वो फर्नेस ऑयल पे ना चले ना डीजल पे चले, वो चले एलएनजी पे, वो बंद होने शुरू हो गए। और मुल्क की सूरत हाल ये है कि बिल्कुल आपकी जो इकोनॉमी है ना, मैं भी वो फिगर देख रहा था, बिल्कुल स्टेटिस्टिक्स पे खड़ी है, बिल्कुल ऐसे जैसे ना मफलूज होकर खड़ी हो गई है, बिल्कुल स्टेल पे स्टेल हो गई है। और स्टेल ऐसे खड़ी हो गई है कि अगले कुछ अरसे में आपने 4.5 खरब रुपया आपको कर्जा चाहिए, 4.5 खरब रुपया अगले 3 महीने में, और 3 महीने में 4.5 खरब ही आपने किस्तें उतारनी है जी, जितना कर्जा लेना है रियासत को चलाने के लिए उतनी किस्तें भी उतारनी है और ये अपने बैंकों से लेना है। तो महंगाई का बहुत बड़ा तूफान, और ये खरब ट्रिलियंस की बात हो रही है, और दरमियान में ये अरब रुपया 50 अरब दे दिया अराकीन असेंबली को, चेक साइन होते जा रहे हैं। और वहां पर ये तय हुआ था कि इसहाकदार इस्तीफा देंगे, वो इसहाकदार ने इस्तीफा भी नहीं दिया, वो बीमारों के पांव पड़े और अल्लाह ताला ने